अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उपमंडल के गांव सुलचानी में पंचायती भूमि पर बने 51 अवैध मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर तोड़ दिया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस को तैनात किया गया था। जब प्रशासन गांव में पहुंचा तो कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नारनौंद के BDPO संजय टांग को नियुक्त किया गया। प्रशासन के अधिकारी 2 JCB लेकर मकानों को तोड़ने के लिए पहुंच गए तो कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध कर रहे युवकों को वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद प्रशासन ने पीले पंजे की सहायता से सभी 51 मकानों को तोड़ दिया। कब्जों को छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत ने सन 2001 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। BDPO संजय टांक ने कहा कि अदालत के आदेश पर 2 JCB की सहायता से 51 मकानों को तोड़कर पंचायती भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर इस भूमि को पंचायत के हवाले कर दिया गया है। वहीं गांव के सरपंच विजेंद्र सिंह ने कहा कि इन लोगों ने अवैध तरीके से पंचायती भूमि पर कब्जा किया हुआ था, आज इस भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। आदेश थे उसके अनुसार 51 आदमियों का नजायज कब्जा था, इजराई डाली थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई हुई थी और उनकी कब्जा करवाया था उन्होंने संपूर्ण का। दखल हुए थे कि 51 आदमी के खिलाफ इजराई हो रही थी, उन्हीं के मकानों को तोड़ा गया। कितने मकान थे ये? 51 जी। किसके आदेश से तोड़ा गया? हुकुम साहब के आदेश से। किस की शिकायत थी? ग्राम पंचायत की कब्जा लेने के लिए। नारनौंद से दीपक गिरधर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।